अपराधियों द्वारा जल्दी पैसे कमाने के नाम पर कई लोग गोल्डन लॉटरी ऐप के आदि बन गए हैं। इसमें शहर के अनेक निवेशक फंसने की सनसनीखेज खबर सामने आई है। जो भी लोग इस चीज में निवेश कर रहे हैं उनके हाथ निराशा ही लगी है। राज्य में हजारों निवेशकों को साइबर अपराधियों ने लूट लिया है, जिससे अनेक लोगों को आर्थिक मार झेलनी पड़ी है। बहुत से लोग तुरंत पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डिजिटल लाइफ में यही शॉर्टकट मुसीबत बन खड़े होते हैं। लोग पैसा निवेश करते हुए अपना सिर गिरवी रखकर कम दिनों में लाखों रुपए कमाने की लालसा रखते हैं, जिसका फायदा इस तरह के साइबर अपराधी उठाकर गोल्डन लॉटरी ऐप जैसे फर्जी फंडे लाते हैं। लॉटरी विदेशी नागरिक समूह के व्यवस्थापकों के स्मार्टफोन से खेली जाती है। नागपुर में कई व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिनमें निवेशक शामिल है। इसमें निवेश लॉटरी की तरह है। अगर आप 10,000 रुपए से ज्यादा का निवेश करते हैं तो आपको रोजाना 20-30% मिलता है। गोल्डन लॉटरी नाम का एक ऐप है जो सिर्फ एपी के फॉर्मेट में है। लिंक निवेशक के व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भेजा जाता है। एक बार जब आप ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको एक गुप्त आईडी और पासवर्ड दिया जाता है, जिसमें 10,000 रुपए से अधिक का निवेश करना होता है। भारत से विदेश जाने वाली उड़ानों में माल की कीमत के आधार पर लॉटरी खेली जाती है। ऐप में निवेश की गई राशि और लाभ की राशि प्रतिदिन देखी जाती है। गोल्डन लॉटरी उड़ान के बाद आपको विमान में मिलने वाली वस्तुओं की कीमतों पर पैसा लगाती है, जैसे हवाई जहाज में पानी की बोतल करीब 100 रुपए में बिक जाती है। हालांकि एक बोतल की कीमत केवल 20 रुपए होती है, उस बोतल की कीमत पर लाभ पर आधारित है। लॉटरी में प्रतिदिन 40 से 50 दिन तक 500 से 1000 रुपए जीते जाते हैं। फिर बड़ा निवेश करने का प्रलोभन है तो निवेशक लाखों में निवेश करता है। बरोबर आहे तुमचं म्हणणं, पण ही लॉटरी नसून फक्त लॉटरीचं ॲप आहे। गोल्डन लॉटरी ॲप या नावाने एक ॲप आहे आणि ते ॲप व्हॉट्सअपवरील काही ग्रुप आहेत, स्पेशल ग्रुप आहेत जे चोरून लपून छपून लोकांनी तयार केलेले आहेत। आणि तिथे तुम्हाला 10,000 दररोज 400 रुपये 500 रुपये अशी इन्कम मिळेल असा माहिती देऊन आणि दररोज मिळत आहे असं काही दिवस दाखवण्यात येतं, अशा प्रकारचा एक घोटाळा चालू आहे अशी माहिती मिळालेली आहे। आमच्या माहितीनुसार हे जे ग्रुप असतात त्या ग्रुपमध्ये देश विदेशातले नंबर आहेत आणि ॲडमिन जे आहेत ते बहुतेक विदेशी आहेत आणि ते ॲप डाउनलोड करून घेताना असं सांगतात की आमचा जो ॲप आहे हा अतिशय सुरक्षित ॲप आहे, तो पोलिसांच्या नजरेला पडणार नाही, यामुळे आम्ही तुम्हाला तो व्हॉट्सअप थ्रू देत आहे। आणि तो व्हॉट्सअप थ्रू दिल्यामुळे तो कोणत्याही प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध नाही, प्ले स्टोअर असो किंवा मॅकवर असो हा ॲप आहे उपलब्ध नाही। तो APK फॉर्ममध्ये देतात, तो कुठं बनलेला आहे, कुठून कोण त्याचे क्रिएटर आहेत ते शोधणं जरा कठीण होऊन जातं। आणि लॉटरी नाव असल्यामुळं लोकं समोरही येत नाही आहेत की आपली फसवणूक झालेली आहे, परंतु अशा लोकांनी समोर यायला पाहिजे। आपले जे काही ट्रान्झॅक्शन झालेले आहेत आरोपीसोबतचे पुरावे वगैरे दाखवून आपण निश्चित तक्रार करू शकतो। लेकिन निवेश करने के बाद गोल्डन लॉटरी ऐप अचानक बंद हो जाता है, पैसा पूरी तरह डूब जाता है। सबूत नहीं होने के कारण पुलिस को जांच करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे, BCN न्यूज़ नागपुर।